हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो अपना चैप्टर प्रोनाउन चल रहा था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। चैप्टर नंबर जो प्रोनाउन चल रहा था अपना, चैप्टर नंबर सिक्स, ठीक है, चैप्टर नंबर सिक्स प्रोनाउन, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ओके, सो अगर उस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, आज क्या करेंगे हम लोग, अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर सेवन एडजेक्टिव्स, ठीक है, चैप्टर नंबर सेवन एडजेक्टिव्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव, कि वो वर्ड्स जो कि किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, किसी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग के बारे में कुछ बताते हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि ये अच्छा है, बुरा है, गंदा है, बेटर है, बेस्ट है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, या फिर उसका कलर बताते हैं, ठीक है, उसकी साइज बताते हैं, उसकी शेप बताते हैं, जो नाउन है उसकी साइज, शेप, कलर, काइंड, नेचर, इन सब के बारे में जो बताते हैं, जो वर्ड्स बताते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, बिग, न्यू, ब्यूटिफुल, वाइट, फ्री, गुड, ठीक है। सो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? ये होते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। क्या होते हैं एडजेक्टिव? जो मतलब किसी की क्वालिटी या फिर किसी की क्वांटिटी वगैरह के बारे में, जो हमें उसकी कलर, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, ठीक है, इन सब के बारे में जो बताता है वो क्या होते हैं बेटा? एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है। क्यों? ये किसको डिस्क्राइब करते हैं? ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं अपने वर्क डील। आपको आई थिंक एडजेक्टिव तो समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। देन वर्क डील क्वेश्चन फर्स्ट क्या आता है अपना? मैच द नाउन्स विद देयर एडजेक्टिव्स। इधर हमें क्या दिए हुए हैं? नाउन्स दिए हुए हैं, एंड हमें क्या करना है? इनको, इनके जो एडजेक्टिव्स हैं, जो सुटेबल एडजेक्टिव्स हैं, इनसे मैच करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्काई, कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे स्काई के लिए? टॉल, नोटी, ब्लू। स्काई कैसे होते हैं? ब्लू। कलर बताया हुआ है, मैंने क्या कहा? शेप, साइज, कलर, जो भी डिस्क्राइब करता है क्या होते हैं? एडजेक्टिव। सो स्काई का कलर क्या बताया हुआ है यहां? ब्लू। सो ऑप्शन नंबर सी, ब्लू। ओके, देन नेक्स्ट फ्रूट, फ्रूट जूसी, फ्रूट जूसी। सो फ्रूट ऑप्शन नंबर एफ, ऑप्शन नंबर एफ, जूसी। देन थर्ड ग्लास, थर्ड क्या है? ग्लास। ओके, सो टोल, नोटी, शोर, ब्रेव, रेड, ग्रीन। सो ग्रास के लिए क्या यूज करेंगे? ग्रास कैसी होती है? ग्रीन होती है। ग्रास कैसी होती है? ग्रीन। सो ऑप्शन नंबर एच, ऑप्शन नंबर एच, ग्रीन। नेक्स्ट सोल्जर, सोल्जर, सोल्जर कैसे होते हैं? ब्रेव होते हैं सोल्जर्स तो, ठीक है, ब्रेव होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, ब्रेव, ऑप्शन नंबर ई, ब्रेव। कार, टॉल, नोटी, श्योर, रेड। सो बेटा इसमें तो रेड ही हो सकता है, क्योंकि इसमें कार का कलर बताया जा सकता है, ठीक है। सो कार रेड, कार रेड, ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर जी, रेड। देन सिक्स्थ चाइल्ड, टॉल, नोटी, श्योर, नोटी। चाइल्ड बच्चा कैसा होता है? शैतानी करने वाला होता है, सो नोटी, ऑप्शन नंबर बी, नोटी। ट्री टॉल या श्योर? टॉल,
ठीक है, पेड़ कैसा है? लंबा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ट्री टॉल। ट्री कैसा है? टॉल है, लंबा है। ओके, देन नेक्स्ट एट्थ, लेमन। ऑप्शन नंबर क्या बचा हमारे पास? श्योर, मतलब खट्टा। सो डी, ऑप्शन नंबर डी, श्योर। ओके, सो यहां कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7, एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस, ऑल्सो राइट द नाउन इट इज डिस्क्राइबिंग। आपको क्या करना है? अंडरलाइन तो उस वर्ड को करना है जो एडजेक्टिव है। ठीक है, अंडरलाइन तो उस वर्ड को करना है जो एडजेक्टिव है, और लिखना क्या है? जो नाउन है, कि कौन से नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, क्या लिखना है? कौन से नाउन, जिस नाउन को डिस्क्राइब करना है उसको इधर लिखना है, एंड जो एडजेक्टिव है उसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, बाय।